हाय ऑल, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑन एज डाटा फैक्ट्री सीरीज। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे वैलिडेशन एक्टिविटी क्यों यूज करते हैं हम लोग डाटा फैक्ट्री में और ये हेल्पफुल क्यों होता है। तो वैलिडेशन एक्टिविटी जनरली इस्तेमाल होता है वैलिडेट करने के लिए डेटा को, क्या मेरा जो डेटा सोर्स है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। नहीं करेगा तो इन दैट केस आई विल बी स्किपिंग ऑल द अदर एक्टिविटीज। मैं पाइपलाइन को रन नहीं करने दूंगा अगर वैलिडेशन फॉल्स हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग है कि यहाँ पे वैलिडेशन के लिए मैं वैलिडेशन एक्टिविटी को पहले ले आता हूँ और उसको थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। जनरली सबका सेम ही होता है सब कुछ। यहाँ पे जनरल में नेम और डिस्क्रिप्शन डालते हैं, नेम इम्पॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन इज नॉट। डाटा सेट डालेंगे, टाइम आउट है और स्लीप है। टाइम आउट देखिए, स्पेसिफाई द टाइम आउट फॉर द एक्टिविटी टू रन, इफ नो वैल्यू स्पेसिफाइड, डिफॉल्ट वैल्यू 7 है, तो 7 दिन तक ये एक्टिविटी चल सकती है। स्लीप में क्या है, डिले इन सेकेंड बिटवीन द वैलिडेशन अटेम्प्ट्स, इफ नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड, डिफॉल्ट वैल्यू इज 10 सेकेंड। मतलब ये ना कि जब आप ये वैलिडेट कर रहा है तो अगर वैलिडेशन सक्सीड नहीं हुआ तो वो 10 सेकेंड गैप लेगा, उसके बाद फिर से एक वैलिडेट करेगा और ये वैलिडेट करता रहता है। आप यहाँ पे इसमें यहाँ पे आउटपुट में क्या डाल सकते हैं, सबके साथ फेलियर। अगर फेलियर हो गया तो इन दैट केस आप कुछ एक्टिविटी यहाँ पे डाल सकते हैं आपका, जैसे कोई इफ आई टॉक अबाउट वी हैव सम एज्योर फंक्शन, यू कैन यूज दिस एज्योर फंक्शन टू सेंड सम ईमेल काइंड ऑफ स्टफ टू टू डिफरेंट गाइस, ताकि बता सकते हैं कि वैलिडेशन फेल हो गया। बाकी इसका भी एज्योर फंक्शन का भी बारे में तो कवर करेंगे हम लोग। बाकी कुछ ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, नेम डिस्क्रिप्शन सब कुछ सेम है, टाइम आउट रिटर्न इंटरवल सब कुछ आपको पता होगा। लिंक सर्विस क्रिएट करना पड़ेगा एज्योर फंक्शन ऐप से जो कम्युनिकेट कर रहा, और एक एज्योर फंक्शन भी मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। अभी अभी ना तो मेरे पास लिंक सर्विस है एज्योर फंक्शन का, ना मेरे पास कोई फंक्शन ऐप क्रिएटेड है एज्योर फंक्शन का, तो मेरे को ये सब अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसका एक सेपरेट सीरीज लाऊंगा अभी इसमें, इस वीडियो में कवर करूंगा तो हो सकता है बहुत लोगों को समझ में ना आए, तो एक अलग से सीरीज लाऊंगा मैं ताकि पूरा बताऊंगा किस तरह से एज्योर फंक्शन बनाते हैं और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, शीशा पाइथन जावास्क्रिप्ट क्या इस्तेमाल कर सकते, डिफरेंट लैंग्वेजेस यू कैन क्रिएट एनी ऑफ द मेथड भी है यहाँ पे गेट HTTP वर्ब से। इफ यू हैव फॉलोड अवर ASP.NET Core की सीरीज तो वहाँ पे HTTP वर्ब्स के बारे में पूरा कवर किया गया है। साथ में मैंने वेब एक्टिविटी और वेब एक्टिविटी में भी यहाँ पे डाटा फैक्ट्री में भी इस चीज़ों को कवर किया है, गेट क्या होता है, पुट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, सब कुछ। वैलिडेशन एक्टिविटी के वापस आते हैं, डाटा सेट एक क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को। सबसे पहले मेरे को एक फोल्डर क्रिएट कर, स्टोरेज इन्वायरमेंट में जाऊँगा, स्टोरेज अकाउंट में। स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है, पिछले आप देख सकते हैं पुराने वीडियोस को, सीरीज से देखिए डाटा फैक्ट्री सीरीज को, आप प्लेयर इसको फॉलो करें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो वो आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स में भी मिलेगा, साथ में एक डिटेल वीडियो भी मैंने बना के रखा। कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं, कंटेनर नेम स्मॉल में होता है मेरे ख्याल से, कैपिटल सपोर्ट नहीं करता है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे लोग जनरली हाइफन का भी इस्तेमाल करते हैं कंटेनर नेम बनाने के लिए। बट अगर आप हाइफन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि माउंट पाथ में आप अलग नाम लिखें, यहाँ पे अलग नाम लिखें, तो इन दैट केस आपको इफ यू आर वर्किंग इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो, तो अगर आप सिनेप्स के कुछ ऑनबोर्डिंग काइंड ऑफ स्टफ कर रहे हैं तो इन दैट केस आपको थोड़ा इशू आ सकता है, आपको अलग से एक छोटा पोजिशन बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप इसके नाम को, ये वाला कंटेनर नाम को रिप्लेस करें वो माउंट पाथ के नेम से, दैट काइंड ऑफ स्टफ थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसीलिए मैं प्रेफर नहीं करता ये हाइफन ने ये सब डालने का। अपलोड पर क्लिक कर दिया गलती से, एक यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, इनपुट डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग पहले ही कवर कर चुका हूँ मैं जब कॉपी डाटा एक्टिविटी में ये सब चीज़ों में, तो मैं जल्दी जल्दी क्रिएट कर रहा हूँ मैं कि ये सब चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ मैं, कवर किया है मैंने। तो डाटा सेट में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्लॉब स्टोरेज पे क्लिक करना पड़ेगा, जेंटू भी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ आप जेंटू स्टोरेज का भी, जेंटू स्टोरेज भी ऑलरेडी है तो आप जेंटू का भी क्रिएट कर सकते हो उस तरह से। बाइनरी चूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा TXT फाइल है।
है, इसका नाम रखते हैं इनपुट डाटा सेट 1। लिंक सर्विस नहीं क्रिएट किया है मैंने, लिंक सर्विस जल्दी से क्रिएट कर देता हूँ मैं। लिंक सर्विस के वीडियो अगर नहीं देखा तो जाइए देखिए, हमारे डाटा फैक्ट्री सीरीज में मिल जाएगा। और जल्दी से मैं आपका चरण का नाम पहले बता देता हूँ, हो सकता है आपको नहीं पता होगा चरण का नाम। आपको सर्च करना है कोड M2.0, आप स्पेस डाल सकते हैं पर ये बहुत, ये मतलब क्या बोल सकते हैं आप, बहुत अच्छा है ये। तो आपको सजेशन में दिखाई देगा गूगल क्रोम, अगर आप क्रोम या एच में डायरेक्टली बिना स्पेस का भी आपका दिखा देगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में डाटा फैक्ट्री की प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सारे मिल जाएंगे। अभी के लिए मेरा 2 वीडियो दिखा रहा है पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अभी तक 28 वीडियो शूट कर दिया है। एडिटिंग के लिए अभी कुछ बाकी है, मतलब 8 से मेरे को एडिटिंग करनी है अभी वीडियोस को। दैट्स फाइन, अभी वापस आते हैं हमारे इस जो आज के टॉपिक में वैलिडेशन वाले में। यहाँ पे फाइल पास चूज कर लेता हूँ, क्लिक करूंगा और मैं फाइल अपलोड करना भूल गया। आप फाइल अपलोड कर देते हैं सबसे पहले, इनपुट फोल्डर में जाएंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे। और ये डाटा फैक्ट्री में बताऊँ ना, कॉपी एक्टिविटी ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट, इफ़ यू कंपेयर विद डाटा ब्रिक्स, डाटा ब्रिक्स में स्लो होता है बहुत, वो क्लस्टर पर डिपेंड करता है। कब आपको हाई एंड क्लस्टर इस्तेमाल करने पड़ते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी मतलब बहुत साइज वाले कॉपी डाटा एक्टिविटी करना चाहते हैं। मैं वापस जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, बाइनरी पे क्लिक करता हूँ, लिंक सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ, ओपन डाटा सेट, ये ओपन हो रहा है, फाइल का नेम दिखाएगा, ओके कर देता हूँ मैं और ओके कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं कॉपी डेटा एक्टिविटी ऐड कर सकता हूँ। अगर ट्रू हो गया मेरा तो वैलिडेशन, तो मैं कॉपी डेटा एक्टिविटी इस्तेमाल करके, मैंने क्लिक नहीं हुआ, ठीक है, कॉपी डेटा एक्टिविटी इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ डेटा को। ठीक है, तो वैलिडेशन वापस जाते हैं, बाइंडिंग मैंने चूज कर दिया है और यहाँ पे साइज मेरे को मिनिमम साइज भी डाल सकते हैं कि आप यहाँ पे होवर करेंगे मिनिमम साइज ऑफ फाइल एंड बाइट, इफ नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। आप स्पेसिफाई देख, अगर आपको पता है कि इस यहाँ पे फाइल है ही है तो मिनिमम क्या फाइल साइज होना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो वैलिडेशन एक्टिविटी में यही था, यहाँ पे आपको वैलिडेट करने का काम आएगा कि फाइल है कि नहीं। अभी तो मुझे पता है इस केस में जो आराम से काम करेगा, पर मैं एक और केस बता देता हूँ एक न्यू डाटा सेट क्रिएट करके, कि अगर मेरे पास डेटा नहीं है मतलब फाइल नहीं है तो इन दैट केस क्या होगा। उस केस में तो मेरे को वैलिडेट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक डाटा सेट क्रिएट करना पड़ेगा जो पैरामीटराइज डाटा सेट हो। इसके बारे में भी मैंने कवर किया है पुराने वीडियोस में, जाइए देखिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस बार मैं एमबी डेमो पे क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ और इसको एडवांस सेक्शन में जाऊंगा, ओपन दिस डाटा सेट करूंगा। यहाँ पे मैं पैरामीटर एक क्रिएट करूंगा, फोल्डर नेम, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, एमटी डालूंगा, कनेक्शन में डालूंगा, डायरेक्टरी में देंगे ऐड डायनेमिक कंटेंट, यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे। आपको सिंटैक्स रटने की जरूरत नहीं है, सिंटैक्स कोई रटता नहीं है यहाँ पे। कंप्रेशन टाइप आप कंप्रेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए GZ ये सब चीज़ें ऑप्शन दिखा रहा है आपको, आप खुद से एक्सप्लोर करें ये चीज़ें। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। और बाइनरी 2, अब फॉर एग्जाम्पल सेल्स, सेल स्टैक फोल्डर है मेरा इसका, ठीक है। अब ऑब्वियसली कॉपी डेटा के लिए मेरे को सोर्स या सिंक चाहिए। एक चीज करता हूँ, मैं दोनों चीजें हटा देता हूँ, आई डोंट नीड दिस फॉर द टाइम बीइंग। मैं आपको एक डीबग करके दिखाता हूँ, आपको
मैं डीबग करके दिखाऊंगा, तो ये पाइपलाइन रन होता रहेगा। देखिए आप, रन हो रहा है, 10 सेकंड हुआ, ये बंद नहीं हो रहा, ये वैलिडेट कर रहा है, अभी भी वैलिडेट कर रहा है कि डेटा है कि नहीं, वैलिडेट करता जा रहा है। कि मैंने 7 घंटे का डाल के रखा है, 7 घंटे बाद वैलिडेट किया, थोड़ा गैप लिया इसने, गैप लेने के बाद 10 सेकंड का गैप लिया, फिर उसके बाद फिर से वैलिडेट करता रहेगा ये। तो अभी के लिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, अभी मैं आपको वो वाला दिखाता हूँ। 1 मिनट, कैंसिल हो गया ना। अगर मैं बाइनरी डेटा 1 डालूं, कैंसिल हो गया। अब मैं इसको एक बार डीबग कर देता हूँ फिर से। अब देखिए, ऑलरेडी मेरा अगर फाइल है तो इस केस में मेरा सक्सीड होना चाहिए, सक्सीड हो गया, फाइल है तो ऑब्वियसली सक्सीड हो गया। तो इस वैलिडेशन एक्टिविटी में यही जाना है कि वैलिडेशन एक्टिविटी करता क्या है ना, आपका वैलिडेट करता है कि डेटा ऑलरेडी है कि नहीं। डेटा अगर नहीं है तो वो फिर से वो वैलिडेट करेगा, कुछ वैलिडेट करता, जब तक डेटा नहीं मिलेगा तब तक वो बाकी वाले जो एक्टिविटीज है, मेरे सामने वाला एक्टिविटीज है, उसको अलाउ नहीं करेगा, उसको रन नहीं होने देगा, ये उसको रोक के रखेगा। और फॉल्स अगर फेल्ड हो गया, इन दैट केस आप यहाँ पे फेल्ड में भी कुछ एक्टिविटी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो फेल्ड के लिए क्या होगा, फेल्ड कब होगा, यहाँ पे टाइम आउट डाल कर रखा है, तो जब तक ये टाइम आउट हो जाएगा तो उस केस में आपको यहाँ पे फील्ड में भी दिखना पड़ेगा। तो वैलिडेशन एक्टिविटी यही था, इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलूंगा आपको कुछ और वीडियो के साथ, एज डाटा फैक्ट्री सीरीज के साथ, या फिर कुछ और वीडियो सीरीज के साथ। टिल देन, बाय।